बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल लाजमी ऑन कर दिया करें ताकि जब भी वीडियो डालूँ आप सब वीडियो के ऊपर अटैक कर दें। तो हम गए थे फैमिली के साथ आइकिया और देखते हैं कि आइकिया से मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया है, देखते हैं आज की वीडियो। लंबी लाइन लगी हुई है एवेन्यूज में जाने के लिए, देखो जरा यहाँ से पीछे से शुरू हुई हुई है, आपको एंड तक गई हुई। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई है, कोई पांचवी मंजिल पे मिली है। यहाँ पे लिखा हुआ याद रखो तुमने कहाँ पार्किंग की थी। पिक्चर ले लेती हूँ उसकी, क्योंकि वाकई हम पिछली दफ़ा आए थे ना तो भूल गए थे कि हमने किधर पार्किंग की थी। वो रहा आइकिया, ये है आइकिया की एंट्रेंस। पता नहीं है अलमारी का डिजाइन, मैं बोल रही थी अलमारी गिरने वाली है। चलो आओ, अरे इधर आओ, उठो, आओ शाबाश। माशाल्लाह कितनी प्यारी सेटिंग की हुई है सारी, अच्छा लग रहा है देख के। ये भी प्यारा लग रहा है रूम ना, साथ साथ जो भी अच्छा लग रहा है हम लोग ले ही जा रहे हैं। बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, मेरे ख्याल में सेल का कल लास्ट डे है या आज लास्ट डे है। यहाँ पे सारे सोफे पड़े हुए हैं, सिंगल सोफा, सोफा बेड, कोई सा भी सोफा चाहिए, बड़ी अच्छे लगे हुए सारे ना। प्राइस भी बड़ी प्यारी है। केक इतना प्यारा सेट किया हुआ, छोटे सा वैनिटी टेबल, बड़ा प्यारा सा लग रहा है ये ना छोटा सा। वो साथ में देखे कितना प्यारा पूरा रूम सेट होया हुआ है, ये रूम हो गया, बच्चे की कॉट भी हो गई, और ये ऑफिस किचन, और यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा बाथरूम भी सेट कर दिया। वाह भाई वाह, कितने सलीके से सब कुछ सेट होया हुआ है कि अगर छोटी स्पेस हो ना बड़ा अच्छा उसमें सारा सेट हो जाए, भाई आइडिया हो तो ऐसे। और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये लिविंग रूम है, बड़ा प्यारा सा डेकोरेशन इनकी, तो डेकोरेशन मैं कहती हूँ एंड। उधर वो देखो हम बैठ के ना फोटोशूट भी कर रहे हैं, खैर हम बैठ के खुद फोटोशूट नहीं कर रहे इधर है वो नहीं है। लेकिन हम सारा आपको साथ साथ जो है ना दिखा रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना कितनी वेल मैनेज और कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ सब। यहाँ पे अगर आपको आइडियाज चाहिए लेना है तो यहाँ से ये भी कर देते हैं। आ देखो कितना प्यारा सेट किया हुआ पर्दा, ना झूला ले लो बैठ के बेटा, ले लो झूला,
ले लो झूला चलो इंजॉय करो सामने टीवी जब तक माँ शॉपिंग करके आती है। साथ में इन्होंने जगह जगह बनाया हुआ, बच्चे खेलने लग गए तो मैंने कहा नाया तुम भी बैठ के जो है ना खेलने लग जाओ। झूला मैंने भी अपनी बच्ची को दिला ही दिया। यहाँ पे अब सारे कैबिनेट्स वगैरह, लिविंग रूम स्टोरेज यहाँ पे सब मिलेगी। अनाया ने अच्छा बोला टेडी वहाँ बैठा हुआ था और उसको ना यहाँ पे रख दिया ला के। चलो बेटा उठ जाओ आ जाओ नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान से बेटा माँ ही ना ट्रॉली ना लग जाए बेटा माँ की। कितनी प्यारी दीवार सेट की हुई है, ऐसे हमने भी घर में की हुई है। वॉलपेपर का रंग फर्क है तो क्या हुआ? है तो यही ना छोटे छोटे आर्टिफिशियल पौधे पड़े हुए हैं और ये अलमारी है 12 दिनार की, बहुत छोटी सी है। ऑनलाइन चेक किया था मैंने, इतनी बड़ी लग रही थी ना तो मैंने सोचा था ले लूँगी, लेकिन आके तो इतनी छोटी है इसमें तो मेरी। नया साथ साथ रहो बेटा, यहाँ पे सारे डाइनिंग एरिया है, चेयर्स वगैरह टेबल वगैरह मिलेगी और सिर्फ किचन है, लेकिन मेरे ख्याल में घर वाले उधर चले गए हैं तो वी हैव टू गो देयर एज सून एज पॉसिबल, वरना हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे वरना हम लोग भागो 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 भागो। हाँ उस तरफ, यहाँ पे बच्चों का एरिया है। अनाया ने जो है देखना है ये एरिया, तो मैंने कहा यू कैन सी, मैं पका रही हूं बट बेटा जल्दी बिकॉज आगे निकल गए। अच्छा ये डब्बे मैंने लिए हैं घर में ना, ये बड़े प्यारे रहते हैं पर ऑलरेडी घर में बहुत हैं तो इसलिए अभी और नहीं लेने हमको। बच्चों के कॉट शॉर्ट पूरा बच्चों के जो चीज़ें, ये बोल रही थी। और यहाँ पे बड़ा प्यारा शीशा लगा हुआ है पतला सा विद द अलमारी ओवर हियर जी। अब चलते हैं जी आगे, चलो आगे चलो। और यहाँ पे सारी वही बच्चों की चीजें हैं और यहाँ पे अब आ गई किचन, क्योंकि मेरे पास सामान है तो मैंने कहा लिफ्ट से चलती हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती और वो भी अनाया के साथ तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना ना, क्योंकि ये डरती है तो मैंने कहा बेटा इस लिफ्ट से आ जाओ। और उनसे पहले शायद हम लोग पहुँच गए होंगे, या वो लोग अभी उतर रहे हैं और हमने पहले पहुँच गए। ये पहले हमने बड़े लिए हैं, देज का वगैरह रखते हैं ना उसके नीचे रख दो पर टूट जाएगा जल्दी। अभी नीचे आए ना तो नीचे बड़े मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। देखो इतनी बहुत कैंडल्स हैं 1 KD 750 की। यहाँ पे थर्मोस है, थर्मोस जो भी बोलते भाई, 1 dinar 950 का, अच्छा है 1 liter तक आ जाएगा इसमें, अच्छा है। और कौन सा पसंद आया, ग्रीन के वाइट? यहाँ पे बर्तन वगैरह है, ट्रॉली ध्यान से ही चलाऊं तो अच्छा है भाई। कैंडल एक बड़े मजे की खुशबू है इसकी, मामा डाल दें छोड़ दें। हाँ आ जाओ, ये सारा बर्तन वाला है तो हम आगे नहीं। अनाया डोंट टच बेटा एनीथिंग, क्या हो गया आपको? ध्यान से साइड पे आ जाओ। यहाँ पे बर्तन बर्तन आ गए अब पकाने के, ठीक है। ये 1.5 दिनार का लगाया पर बहुत छोटा सा है।
कि ठीक है। नीचे से कैसा है मामा, नीचे से दिखा, पर बहुत छोटा सा किया हुआ है। मामा ये देखें ग्रिलर, ग्रिलर नहीं ग्रिलर है 4 KG का, ग्रिलर नहीं ग्रिलर है, पर बहुत हल्का सा है, इतना हल्का होता नहीं है ग्रिलर, इतना हल्का नहीं होता ग्रिलर, हैवी होता है। हाँ सारा धुआं धुआं हो जाएगा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे आ गए कुशन्स की जगह, देखने में इतने मोटे मोटे किए, हाथ लगाओ तो यूं हाथ अंदर चला जाता है, गर्दन को ही बल पड़ जाए। अब ये जहाँ पे तकिए ब्लैंकेट्स, अंदर की जो रजाई की फिलिंग वगैरह होती है वो सब कुछ आ गया। वाओ यहाँ पे सारा बाथरूम्स का सेक्शन है, बाथरूम की चीज़ों का जो भी नलके मलके टाइले रैक वगैरह। और अब क्या, हाँ अभी तक वही सामान चल रहा है। ये चीज़ें मैंने देखी थी ऑनलाइन, ये बेड के ऊपर रखे ना आराम से इस्त्री हो जाती है, पर इसको हाथ लगा के देखो तो ये बड़ा पतला सा किया हुआ है, इसके ऊपर लाजमी जो हमने अपना देसी बनाया मैंने उसके ऊपर रखे बगैर इस्त्री नहीं होगी। आ जाओ यहाँ पे, अब स्टोरेज के डब्बे, अभी सारा लाइट्स वाला सेक्शन आ गया है, लैंप लाइटें वाइटें सब, ये तो हमारे घर में है भी, देखा होगा ना अक्सर वीडियो यहीं से स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ साथ ही रहना ठीक है ना। अब सारे रग्स वगैरह हैं, रग्स कारपेट, यहाँ पे छोटे छोटे मैट्स, ये जगह आते साथ ही ना खुशबू खुशबू हो गई, क्योंकि यहाँ पे हैं कैंडल्स और एसेंस वगैरह, बड़ी प्यारी सी खुशबू हुई भी है। और हमने मोमबत्तियाँ ले ली हैं, और मोमबत्ती के बाद अब हम घर पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह है, और यहाँ से जी अब हमने फेथिया को, इक्या को थोड़ा सा खैर बात करके ना यहाँ पे अकेशे की तरफ अब हम जा रहे हैं। और अभी मेरी गोद में आ गया है मेरा भातीजा, और साथ में है अनाया, दोनों बच्चे मेरे पास। अरे 3 PIN की बड़ी ऑफर अच्छी लगी हुई थी, 2 मिल रही है 2.5 दिनार की, पर अब कैशो पे निकल गए हम। और जी सामने है कैशियर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारा इक्या का व्लॉग। हाँ जी बोलो, मुझे भूख लग रही है। अच्छा भाई, इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे जो रुबा दिनार की आइसक्रीम है, और लाइन देखें कितनी लंबी है, रुबी की कौन मिल रही है, और इतनी लंबी लाइन बनाई हुई है ना कि घंटे में आएगा नंबर। बेटा लाइन कितनी लंबी है देखो ना आप, आपको ये लेना है पिज्ज़ा, क्यों भूख लगी है तो बंदा पिज्ज़ा लेता है ना, जल्दी खाओ बेटा, गर्मी इतनी कि मेल्ट हो जाना है उसने। फिर
इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जा रहे हैं, इतनी मेहनत से मैंने बनाई और इतना मैंने आपका सर खाया बीच में। तो जी, इक्या से ख़रीदारी के बाद हमें कुकियाँ मिली थी, भूख लग गई थी चलते चलते, तो हमने क्या गाड़ी में ये इन्जॉय कर ली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।